सुप्रभात बच्चों, हम लोगों ने बंदर और गिलहरी कहानी में पढ़ा था कि बंदर को गुदगुदी हुई, है ना। पहले गुदगुदी तुमको पता है क्या होता है? जब किसी भी आदमी को पेट में, पीठ पर, गर्दन में, हथेली पर या तलवा में धीरे से गुदगुदाते हैं तो उसको खूब हंसी आती है। हंस हंस के वो खूब परेशान हो जाता है। तुम्हें आती है? कभी तुम्हें किसी ने गुदगुदी लगाया है? नहीं लगाया है बच्चों? तो अपने भाई बहन घर में होगा तो एक बार लगा के देखना तुमको कैसे अनुभव होता है। खूब हंसी आएगी, खूब खिलखिला के हंसोगे, एकदम लोट पोट हो जाओगे, ठीक है ना। आओ यहाँ पे देखते हैं कि गिलहरी ने बंदर को पूछ से झूला झूला, तुम इन चीजों से क्या क्या करोगे बताओ। रुमाल देखते हो घर में, तुम लोग यूज करते हो ना। रुमाल से हम लोग नाक साफ करते हैं, हाथ साफ करते हैं। लंच करने के बाद मम्मी देती है ना रुमाल, तो नाक बहता है तो नाक भी साफ कर लेते हो या हाथ भी पोछते हो। हाथ पोछने के काम में भी आता है। पेंसिल का तो यूज सबको पता है, लिखने के काम में आता है, चित्र बनाने के काम में आता है। फूटा समझते हो? स्केल, स्केल जो रहता है ना तुम्हारे पास रहता है पेंसिल बॉक्स में, तो उससे हम लोग क्या खींचते हैं, लाइन खींचते हैं या फिर कोई चीज नापना रहता है उसमें हम लोग उसको यूज करते हैं। तुम लोग क्या करना कि ये जो फोटो है इसको अपने कॉपी में बनाना और ये सब फिगर को बनाना और इसका दो दो काम लिखना कि और तुम इससे क्या क्या काम कर सकते हो। धन्यवाद।